हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइल्ड स्पीकर। मैं अनुज प्रधान, आपको होसिन दोस्त। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस, लॉकडाउन बढ़ गया है और ऐसे सब अच्छा चलता रहा तो मैं जून जुलाई का सब ऐसे निकल जाएगा घर पे बैठे बैठे। तो परेशान में तो कुछ करते रहो। मुंह पे मेहरबानी क्यों, जो है तू नहीं वही बने के दिखाने क्यों, इतनी जल्दी जाना ताली भी नहीं बजी जितनी जल्दी चार चिल्लर बजे बिक गई जवानी। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल बॉडी एज अ ऑब्जेक्ट पे। इसको लेके कई से आपको कुछ लोगों की क्या बात करने जा रहा है, क्या पॉइंट बाय बात करने जा रहा है, लोग कैसे मॉलेस्ट करते लड़कियों को, इस पर बात करने जा रहा है। तो इससे हटके मैं थोड़ा बात करने वाला हूँ। आज हम इसको थोड़ा कमर्शियल लेके चलते हैं इस टॉपिक को। जी हाँ, कमर्शियल क्या है? आपको पता होगा जितने भी बड़े कंपनी होते हैं या छोटे भी कंपनी होती है, रिसेप्शन हमेशा लड़की को रखते हैं। क्यों? पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। वो फीमेल को कमर्शलाइज करते, इनकैश करते उनके पर्सनालिटी को, उनके बॉडी को टू जनरेट प्रॉफिट। सेम हैंड, इसमें गलती कंपनी की भी नहीं है, इसमें गलती हमारी की। एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल सिटीजन, हम भी अट्रैक्ट हो जाते हैं लड़कियों को देख के। हमारे माइंड में जो हवा बन चुका है लड़की, मतलब ये लड़की वाला शब्द आ चुका है। ये लड़कियां मतलब बहुत अलग लेवल की चीज है, मतलब उनको हमें बहुत अप्रोच करना पड़ेगा, बहुत ऊपर। इक्वालिटी है, मैं डिसरिस्पेक्ट करने की लड़की की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे इक्वालिटी की बात होती है। हम लोग लड़कियों और लड़कों को हमेशा अलग अलग नजर से हमेशा देखते थे, देखते हैं और शायद देखते रहेंगे। कभी इक्वालिटी ला ही नहीं सकते। कुछ लोग बोलेंगे लड़कियां बिल्कुल पैरों की धूल समान, लड़कियां ये है ना धमाका। कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार लड़कियां भगवान है, ये है वो है। तो भैया लड़के भगवान नहीं है, लड़की छुट्टियां हैं, वो भी तो भगवान हो सकते हैं। मगर वो हमेशा अंतर हमेशा रहा है। इसमें कॉर्पोरेट ने भी हेल्प किया, हमारी सोसाइटी ने भी हेल्प किया। कहीं कहीं पॉलिश करते हैं लड़कों, कहीं पे लड़कियों बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा के बैठाते। इक्वालिटी बैलेंस नहीं किया गया। अब इसीलिए जो फीमेल बॉडी है आज की डेट वो टोटली कमर्शियल हो चुकी है। और सबसे बुरी बात क्या है, लड़कियों को पता है और वो यूटिलाइज करती है इस फीचर को अपना। लड़की होना वो यूटिलाइज करती है। अगेन, मैं पॉर्न इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, राइट नाउ मैं पॉर्न इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल लाइफ में भी, डेली लाइफ में वो यूटिलाइज करती है टू बीइंग अ फीमेल। दे एंजॉय इट। लाइक नॉर्मल टॉपिक ही लेके चलता हूँ। किसी लड़की को जॉब चाहिए, आराम से मिल जाएगा। लड़की को जॉब चाहिए, नहीं मिलेगा। ये लड़की को जॉब नहीं मिले तो मैंने मोस्टली देखा है वो स्लाइटली ऐसे ड्रेसअप होके जाती हैं कि थोड़ी भी थोड़ा सीड्यूसिंग लगे, उसको बंदा जॉब दे देगा। और लड़कों को जॉब नहीं मिलता भैया, वही सूट बूट टाई बेल्ट वही पहन के 100 बार 1000 बार वही पहन के। वो सीड्यूसिंग क्लोथ, हाफ शर्ट या कुछ ऐसा पहन के जाते तो सीड्यूस करे। वो अपनी पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप करते हैं। अगेन, नो हेट टू फीमेल, बट ऐसा कई लोग करते हैं जो लिटरली गलत है। अगर आपको जॉब चाहिए, आपको कुछ अचीव करना, तो अपने बिजनेस अचीव करना। कई कंपनीज में होता है, कई जगह तो खुद अगर ओनर है कंपनी का तो वो फीमेल को ऑफर करता है कि तुमको मैं अच्छी रेपुटेशन दे दूंगा, तुम मेरे साथ रहोगी, तुम सारा धमाका, हमें फिजिकल रिलेशनशिप बाउंड अप कर सकते हैं। दैट्स ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो अब सबसे बुरी बात ये, चलो लड़का कहता है वो तो बुरा है, लड़का तो हमेशा बुरा थे, बुरे हैं, बुरे रहेंगे। बट वॉट अबाउट दैट गर्ल जो एक्सेप्ट करती है? यार ऊपर जाना अच्छी बात है, ऊपर जाओ, ऊपर चढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट क्या वे यू आर चूजिंग इज करेक्ट? जिस रास्ते जाना था वो सही है, बट उसको फिर कोई गलत डिफाइन नहीं करता है। और सही में पूरी मार्केट डिपेंड हो चुकी है लड़कियों पर। आपको अच्छी स्पीच देनी है, लड़कियां होंगी वहां पे। गाड़ी का कोई वो शोकेस होना है, लड़कियां होंगी वहां पे। लड़के होते हैं बट जो लीडिंग पार्ट हमेशा लड़कियों को दिखाता है। ऐसा क्यों इतना ज्यादा हाई बना दिया गया लड़कियों को? और पता है, जब तक हम लोग इस माहौल से निकलेंगे ना कि लड़कियों को हाइप में नहीं रखा जाएगा, तब जो एक बैलेंस सोसाइटी में कभी क्रिएट ही नहीं हो सकता। और जो प्रॉब्लम्स हैं, मॉलेस्ट होना, ये बाकी चीजें नॉर्मली चलती रहेंगी। मैं अगेन, मैं सपोर्ट नहीं करता किसी को मॉलेस्ट करना, रेप करना, मैं सपोर्ट नहीं करता। बट हमारा जो माइंडसेट ऐसा बना देगा ना उनको हाइप करना, जब तो उनको नॉर्मल नहीं किया जाएगा वो नहीं करते। अब पता है इंडिया में सेक्स वर्ड, अभी मैंने सेक्स वर्ड बोले बहुत अजीब हो जाएगा, ये टबू बन चुका है। यार नहीं है टबू, पीपल डू इट फॉर जस्ट फन। तो इसको आपने टैबू बना डाला। ठीक है, लड़कियों का सेगमेंट और सेक्स से लड़के को हमेशा डिफाइन नहीं होता। अभी मैंने सेक्स वर्ड भी बोला हो ना, तो 90% लोगों के दिमाग में तुरंत लड़कियां क्लिक नहीं होंगी। क्यों? और यहां पे लड़कियों के दिमाग में भी लड़कियां क्लिक हो जाती हैं। मतलब खुद को लेके सेल्फ ऑब्सेस्ड इतना ज्यादा हो चुका। लिटरली मुझे ये एल्गोरिथम आज तक नहीं समझ में आया और ये मार्केट बहुत ज्यादा गलत होता जा रहा है। और सेम अगर ऐसा चलता रहा तो आई डोंट थिंक सो कि कभी बैलेंसिंग क्रिएट हो पाएगी लाइफ। और लड़कियों प्लीज यार, तुम अपने आप को यूटिलाइज करना छोड़ो। और मैंने बहुत ज्यादा देखा है, अगर लड़कियां थोड़ी सुंदर है तो अच्छा बॉयफ्रेंड बताने की कोशिश करती जिसका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो, जिसके बैंक में बैलेंस अच्छा हो। लिटरली तुम लोग कंप्लीटली डिफाइन करती हो गोल्ड डिगर की कैटेगरी। खुद के लिए स्टैंड लो, दूसरे की लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल नहीं है। हाँ, अच्छी लाइफ एक्सपेक्ट सब करते हैं तो अचीव करो ना। तुम लड़के के पास जा रहे हो, तुमको लड़का पसंद है तो अपने बॉडी से उसको इंप्रेस ना करो। Impress him with your words, with your feeling, with your aggression. आप बॉडी डिपेंड है तो किसी को इम्प्रेस कर लो यार, तो हमें और जानवर में फर्क क्या रह गया। और यहां तक पता है जानवर की फीलिंग्स पे ही जाता है। इसको हमें बदलना बहुत जरूरी है। और खुद सोचना, मैं कई बार लोगों को बहुत गलत लग रही हो कि तुम कैसे जज कर रहे हो कि लड़कियां क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या गलत है। क्यों ना जज करे, कोई दुनिया आपको जज करती है। इवन मैं स्पेशली पार्ट इसलिए बनाऊंगा जज करने पे। एक पुरानी स्टोरी है, मैं इस पर एक पूरी पार्ट डेडिकेटली लेके चलूंगा, क्या कोई आपको जज करता है और आपको क्या करना चाहिए। आपको कोई जज करता है तो मैं इस पर एक पार्ट लेके चलूंगा डेफिनेटली फ्यूचर। तो अभी के लिए बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, इसको कमर्शलाइज करना कम करो। एज अ बॉय, अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन भी नॉर्मल लड़का हूं तो मैं मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती लड़कियों को कमर्शलाइज करना कम करें। हाँ, गिव देम जॉब, उनको फ्रंट पे रखो, उनको जॉब दो, उनको एक अच्छा रेपुटेशन दो, मगर लड़कों के साथ इक्वालिटी रखो। रिसेप्शन पे ये किसी क्या कहते हैं किसी पूर्वज या किसी पुराने ग्रंथ में लिख के नहीं आई लड़कियां ही रिसेप्शन पे बैठेंगी, लड़के भी रिसेप्शन बैठ सकते हैं। या लड़कियां ही सेल्स में अच्छी होंगी, लड़के भी सेल्स में अच्छे हो सकते हैं। लड़कियां ही अच्छा फेस बनेगी कोई भी स्पीच या कोई भी चीज प्रेजेंट करने के लिए, लड़के भी अच्छा फेस बन सकते हैं। क्यों नहीं ऑपर्चुनिटी देते? इक्वालिटी लाओ, बैलेंसिंग लाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और सो ये दाढ़ी और बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए, मैं क्या करें, लॉकडाउन बाबा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और हमारे बार्बर साहब ओपन नहीं करेंगे। अभी आपको दिन और ऐसे ही देखना पड़ेगा, हो सकता धीरे और बड़ा यहाँ तक भी दाढ़ी पहुंच जाए। बाय बाय, बी ट्यून्ड, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।